देश भर में महिलाएं ज्वेलरी की दीवानी होती है। उन्हें कोई भी ज्वेलरी पहना दी जाए तो वे बड़ी खुशी से पहनती हुई नजर आएगी। सोने और चांदी से बने गहने महंगे होते हैं, फिर भी महिलाओं के पास विकल्प के रूप में आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो महंगी नहीं होती है, उसे आसानी से हर कोई खरीद लेता है। आज हम आपको कागज से बनी ज्वेलरी के बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं, आपको हैरानी कर देगी ये खबर, कागज से बनी कोई ज्वेलरी बनती है। राजस्थान की मरु नगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में अंजलि ने यह काम कर दिखाया। इसने अलग अलग तरह के कागज से अनेकों प्रकार की कई ज्वेलरी तैयार की है। अंजलि ने इस तरह के कागज से गहने बनाने शुरू किए थे, अब ये गहने लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। अंजलि के पास कई तरह के कागज से बनाए ज्वेलरी के ऑर्डर आते हैं। वह बखूबी बहुत ही खूबसूरत गहनों का निर्माण करती है। यहाँ तक कि अंजलि के द्वारा बनाए गए गहने पहले अपने घर के आसपास में प्रसिद्धि पाने वालों, अब धीरे धीरे पूरे बीकानेर में अंजलि द्वारा बनाए गए कागज की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नॉमिनेट हो चुकी पेपर से ज्वेलरी बनाने वाली अंजलि और उसके परिवार से खास बातचीत की हमारे बीकानेर संवाददाता के सिंह। ज्वेलरी तो अब तक आपने बहुत देखी होगी, आज हम आपको दिखाते हैं कागज से बनी ज्वेलरी किस तरह की होती है, क्या होती है, दिखाते हैं आपको। जो आप बिल्कुल आप जो देख रहे हैं, ये जो पहनी हुई है ये महिला, जो खास बात आप देख सकते हैं, ये जो कागज की लुगदी से बने हुई ये ज्वेलरी है, देख सकते हैं आप, जो बिल्कुल यहाँ हाथ फूल भी हैं, बैंगल भी हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। और उसके अलावा आपको ये और दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ भी, ये देखिए राजस्थानी बोरिया, या ये कह सकते हैं कि ये बोरला भी कह सकते हैं, तमाम तरह की अलग अलग तरह के ये क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं, माथा पट्टी है, ये देखिए माला भी है कागज से बनी हुई, ये भी देखिए, बड़े हट के अलग अलग चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एंटीक भी लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। बनाने वाली हैं अंजलि आचार्य, बीकानेर की रहने वाली अंजलि आचार्य। बात करते हैं अंजलि से। अंजलि, तुम ये सब कुछ बना रही हो, कितने सालों से बना रही हो, कैसे बना रही हो? सबसे पहली बात तो है कि कागज की ज्वेलरी क्या? जो हमारे घर में सिलाई का बुकरम होता है, उसे हम कैनवस पेपर बोलते हैं, उस पे ग्लू लगा के उसे चिपका के गोल्डन कलर जो मिलता है उसे गोल्डन कलर करके ब्रश से, उसके बाद उसे सूखने के लिए रखते हैं। उसके बाद जो हमें डिज़ाइन बनानी होती है उसके ऊपर स्टोन उस शेप में लगा करके फिर से सूखने के लिए रखते हैं। उसके बाद उस शेप को कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके उसको फिर से वो जो शेप दी है उसको ज्वाइन करके और जैसे सेल होता है वैसे सेल करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ चीज़ें देखी हमने, इनमें ज़्यादातर चीज़ें राजस्थानी से संबंधित कह सकते हैं कि ज्वेलरी है। कैसे, क्या 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 बना लेती है? जैसे बोरला, सीस फूल, माथा पट्टी, हथ फूल, पग फूल, कंगन और चंद्रहार। कितने समय से कम 2 से 2.5 साल हो गए। आम लोगों के लिए या बहुत ज्यादा जो आम है, जो ज्यादा महंगी चीजें नहीं पहन सकती, उन महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए खास? हाँ बिल्कुल, ले जाती हैं वे लोग। हाँ बिल्कुल, ये सीस फूल, ये झुमके, ये दत्त, ये चंद्रहार, ये कंगन, ये ब्रोच और ये बाजूबंद। चलिए मम्मी से बात कर लेते हैं, क्या नाम? मेरा नाम है भारती आचार्य। भारती जी, कैसे कैसा महसूस करती हैं ये, किस तरह से जो बनाती हैं कागज की लुगदी से, खास बात? एक तो महिलाएं कितनी भी डिप्रेशन में हो, श्रृंगार का नाम आते ही खुश हो जाती हो, और जब गहनों की बात आती है तब तो पूछो ही मत, वो कैसे भी हो गहने। और जब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी से अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें सबको पता है कि सोने की कीमतें क्या है आज, तो पेपर मसी की जो ज्वेलरी है वो सबसे बेस्ट है इसमें। ठीक है, निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि इतनी खूबसूरत सजावट और खासतौर पर वो भी कागज से बनी लुगदी से बनी ये गहने, उनको आज डिस्प्ले के रूप में और बनाने वाली अंजलि के जो काम देखे वे वाकई अनूठे हैं। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर।